Let's move to question number seven now. So, what is question number seven saying? It is saying the following There is a real estate company which uses housing sales data to estimate the effect that the pandemic lockdown had on demand for. सब अर्बन रियल एस्टेट सब अर्बन रियल एस्टेट की डिमांड का क्या इम्पैक्ट रहा पेंडेमिक के दौरान वो आप स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ पे आपने एक मॉडल एस्टिमेट किया जहाँ पे लॉग ऑफ वाई टी लिया वाई टी क्या है शेयर ऑफ सब अर्बन हाउसिंग डील्स ड्यूरिंग अ मंथ तो वो महीने में जितनी भी डील्स करते हैं उसमें से सब अर्बन हाउसिंग डील्स कितनी हुई हैं उसका शेयर इज वाई ठीक है

कि भाई ये प्रॉपर्टी का रेट है पर स्क्वायर मीटर ठीक है तो वो एक्स प्राइस है यहाँ पे तो लॉग एक्स एंड देन पे ये टर्म है डमी और लॉग एक्सटी का ठीक है और और फिर उन्होंने हमें एक चीज बता दिया कि ऑल दी एस्टिमेट्स ये सारे जो एस्टिमेट्स हैं ये फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे सबके सब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं दे आर ऑल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ठीक है अच्छा तो अब इसके बाद हमसे जो पहली चीज पूछी गई है वो ये है राइट द रिग्रेशन फंक्शन फॉर लॉकडाउन मंथ्स एंड फॉर नॉन लॉकडाउन मंथ्स तो लॉकडाउन मंथ्स के लिए रिग्रेशन इक्वेशन बताओ एंड नॉन लॉकडाउन मंथ्स के लिए भी रिग्रेशन इक्वेशन बताओ तो सबसे पहले क्या होगा लॉकडाउन मंथ नहीं है नॉन लॉकडाउन मंथ नॉन लॉकडाउन मंथ जो है नॉन लॉकडाउन मंथ में जो डमी वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी जीरो जस्ट नॉन लॉकडाउन मंथ जो है वहां पे डमी वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू है जीरो राइट right? तो फिर क्या करेंगे इस इक्वेशन में हम जहां जहां डमी वेरिएबल है, वहां पे जीरो इक्वल्स टू माइनस वन पॉइंट एट थ्री माइनस जीरो पॉइंट नाइन वन लॉग एक्स टी राइट फिर लॉकडाउन मंथ में क्या होगा लॉकडाउन मंथ उस केस में क्या सिचुएशन होगी लॉग वाइ टी हेट इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट एट थ्री फिर टेक वैल्यू वन, सो इट विल बिकम वैल्यूट राइट एक तो ये चीज हो गई फिर माइनस जीरो पॉइंट नाइन वन लॉग एक्स टी फिर प्लस जीरो पॉइंट फाइव फाइव लॉग एक्स टी राइट तो मेरा जो अल्टीमेटली इक्वेशन है वो क्या बन के आ जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा थ्री एंड थ्री सो फाइव सो माइनस वन पॉइंट सेवन फाइवर एंड इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा सॉरी सब करना है तो क्या आ जाएगा सिक्स एंड थ्री राइट लॉक एक्स टी है ना सो दिस इज माय इक्वेशन इन केस ऑफ लॉकडाउन मंथ एंड दिस इज माय इक्वेशन इन द केस ऑफ नॉन लॉकडाउन ठीक है यही पूछा हुआ था आपसे फाइन पार्ट नंबर वन ठीक है क्लियर हो गया ठीक है चलो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर टू सो पार्ट नंबर टू क्या बोल रहा है कि हाउ वुड यू टेस्ट दी हाइपोथेसिस दैट लॉकडाउन हैड नो इंपैक्ट ऑन प्राइस इलास्टिसिटी फॉर सब अर्बन हाउसिंग तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि प्राइस इलास्टिसिटी होगी क्या अगर इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है और इधर भी लॉग है, राइट? Right? तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी इस चीज का कोएफिशिएंट? तो जो मेरा कोएफिशिएंट है, दैट विल टेल मी माय इलास्टिसिटी राइट? सो मान लो इसको बी वन बोलें, इसको बी टू बोलें, इसको बी थ्री बोलें और इसको बी फोर बोलें। तो अगर मैं लॉकडाउन मंथस नॉन लॉकडाउन मंथ्स की बात करूं तो मेरी इलास्टिसिटी क्या होगी माइनस पॉइंट नाइन और अगर मैं लॉकडाउन मंथ्स की बात करूं तो माइनस पॉइंट थ्री सिक्स राइट तो लॉकडाउन मंथ में अलग है नॉन लॉकडाउन मंथ में अलग है हमसे पूछा क्या गया है ट no तो हुआ, तो हुआ मान लो तो क्या होगा अगर ये सिग्निफिकेंट ही नहीं होता तो हम क्या बोलते कि भाई पहले भी बीत रही थी अभी भी बीतरी है कोई डिफरेंस नहीं पड़ा लॉकडाउन लगने की वजह से राइट तो एक्चुअली मुझे क्या टेस्ट करना है सो ऑल आई एम व्हाट इज दे आर आस्किंग क्वेश्चन आप ये चीज कैसे टेस्ट करोगे कि लॉकडाउन का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ प्राइस इलास्टिसिटी पे तो प्राइस इलास्टिसिटी विदाउट लॉकडाउन कितनी थी बी थ्री प्राइस इलास्टिसिटी आफ्टर लॉकडाउन कितनी हो गई बी थ्री प्लस बी फोर राइट तो लॉकडाउन का इंपैक्ट कब नहीं होगा जब बी फोर इवेंट होगा राइट यस और नो प्राइस इलास्टिसिटी नॉन लॉकडाउन में क्या हुआ बी थ्री लॉकडाउन में क्या हुआ B3 plus B4. तो मैं कब बोलूंगी कि लॉकडाउन का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ इलास्टिसिटी पे जब बी फोर इनरेलीवेंट होगा मतलब इनसिग्निफिकेंट होगा राइट तो क्या यहाँ पे बी फोर इनसिग्निफिकेंट है इन्होंने तो बोला हुआ है सारे एस्टिमेट सिग्निफिकेंट है फाइव परसेंट लेवल पे राइट So, how would we test this? If B4 is zero, that is my null. What is my alternative that B4 is not zero? How will I test it? Using t-test. And the situation in the question, they are saying that they are all statistically significant at 5% level of significance, right? So, then, what will we do? So lockdown has an impact on price elasticity, right?

ऑल गुड पर चलो ओके सो दिस इज पार्ट नंबर टू लेट्स मूव वन टू पार्ट नंबर थ्री नाट नंबर थ्री जो है वो क्या बोल रहा है कि rewrite the regression results. Regression results को आपको दोबारा से लिखना है कैसे इफ द डमी असाइनमेंट इज स्विच्ड एज बिलो अगर डमी को असाइन करने का तरीका हमारा बदल गया है अब हम क्या कर रहे हैं डमी जो है जीरो कब लेता है जब वो लॉकडाउन होता है और वन कब होता है जब वो लॉकडाउन नहीं होता राइट right? तो मेरी जो इक्वेशन मैम व्हाट वी विल डू द टी टेस्ट हियर यस वी विल डू द टी टेस्ट हियर वो करने की जरूरत नहीं है उन्होंने खुद ही बता दिया आपको है ना ऑलराइट सो हाँ जी कहां थे हम कि आपको इक्वेशन दोबारा से लिखने हैं, रिग्रेशन रिजल्ट्स दोबारा से लिखने इफ डमी असाइनमेंट इज स्विच्ड एज दिस की लॉकडाउन मंथ में वो जीरो रहेगा नॉन लॉकडाउन मंथ में वो वन रहेगा तो हमारे ये जो रिजल्ट थे ये कब आए थे जब लॉकडाउन मंथ को जीरो मिला नॉन लॉकडाउन मंथ को जीरो मिला था और लॉकडाउन को वन मिला था राइट right? तो अब एक बात बताओ मेरा अगर इक्वेशन ये है तो मेरा अगर असाइनमेंट ऐसा होता है थर्ड कि डमी वेरिएबल जीरो लेता है लॉकडाउन के केस में लॉकडाउन के केस में जीरो वन के केस में नॉन लॉकडाउन राइट तो मेरी जो इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए वाई यहां पे क्या है लॉग वाई आए ठीक है इज इक्वल्स टू बी वन प्लस बी टू डी आय प्लस बी थ्री लॉग एक्स आए प्लस बी फोर लॉग एक्स आई टाइम्स डी आई राइट तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर आपका यहाँ पे लॉकडाउन जब आप जीरो ले लेते हो तो इंटरसेप्ट जो है बी वन वो कौन से इंटरसेप्ट होगा लॉकडाउन इंटरसेप्ट yes. और लॉकडाउन की स्लोप क्या होगी बी थ्री यस, राइट नॉन लॉकडाउन के केस में इंटरसेप्ट क्या होगा बी वन प्लस बी टू नॉन लॉकडाउन इंटरसेप्ट एंड स्लोप क्या होगी बी थ्री प्लस बी फोर नॉन लॉकडाउन स्लोप राइट अब मेरे को ये बताओ क्या ये चारों चीजें आपको पता है हमने इक्वेशन लिखी तो ये चारों चीजें तो आपको पता ही है, है कि नहीं तो लॉकडाउन केवन फाइव तो बी वन की वैल्यू क्या है माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव बी थ्री की वैल्यू क्या है लॉकडाउन के केस में जो स्लोप था वो क्या था माइनस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फिर अब मेरे को ये बताओ बी वन प्लस बी टू क्या दिया हुआ है माइनस वन पॉइंट एट थ्री बी वन प्लस बी टू इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट एट थ्री एंड बी थ्री प्लस बी फोर क्या दिया हुआ है माइनस जीरो पॉइंट नाइन वन तो अब मेरे को ये बताओ यहां से बी टू की वैल्यू क्या आएगी और यहां से बी फोर की वैल्यू क्या आएगी टू की वैल्यू क्या होगी माइनस वन पॉइंट एट थ्री माइनस ऑफ माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव तो ये कितना फाइव एंड थ्री जीरो पॉइंट जीरो एट माइनस में एंड वॉट इज दिस Right? तो राइट को बी वन बी टू बी थ्री बी फोर मैंने सब बता दिया ना तो अब वो आप लिख लो अपना क्या है Log t. Hat is equals to B1. B1 कितना है Minus Plus B2. Plus B2 कित... ये कितना होगा माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट इंटू डी आ फिर माइनस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स लॉग एक्स टी फिर माइनस जीरो पॉइंट फाइव फाइव डी आई लॉग एक्स टी दिस इज योर न्यू इक्वेशन ठीक है क्या होगा आई Di. क्या पूछ रहा है मैम इज इज अ मिस्ट्री आपने डीआई लिखा है वहां पे इट शुडंट बी अ डीआई ना व्हाई बिकॉज़ वो ऐड होगा ना -1.75 -0.0 क्या ऐड होगा मैम ये तो मैं नहीं कर सकता ना ना मैं तो जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ ना विच इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग ओरिजिनल वन आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन विथ जीरो बीइंग फॉर लॉकडाउन वन बींग फॉर नॉन लॉकडाउन सो समथिंग लाइक दिस इस तरीके की इक्वेशन लिख रहे हैं हम राइट अदरवाइज तो मुझे कुछ करना ही नहीं था ना अदरवाइज तो यही चीजें थी ऑटोमेटिकली मेरे पास जो नॉन लॉकडाउन की इक्वेशन थी और लॉकडाउन की इक्वेशन थी अगर मुझे अलग-अलग ही लिखना होता तो ओके गाइस एम आई ऑडिबल यस सो व्हाट आई वाज़ सेइंग इज की अ we have to write an equation like the one which was given to us originally, but dummy variable का assignment बस बदल गया तो हमने ये पूरा तरीका कैसे use किया हमने एक नई इक्वेशन बनाई फिर उसमें देखा कि बी वन क्या होगा बी थ्री क्या होगा बी वन प्लस बी टू क्या होगा बी थ्री प्लस बी फोर क्या होगा और ये रिस्पेक्टिव slopes जो है ये हमें पता थे यहाँ से इस इक्वेशन से ठीक है तो फिर हमने अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन किए बी वन बी टू बी थ्री बी फोर की वैल्यू निकाली और हमारी ये नई रिजल्टेंट इक्वेशन है जो कि वैलिड है कब जब डी वन टेकिंग वैल्यू जीरो फॉर लॉकडाउन मंथ्स एंड इट इज टेकिंग वैल्यू वन फॉर नॉन लॉकडाउन मंथ्स ठीक है इज आर ओके यस क्लियर है ठीक है तो फाइन ऑल राइट सो दिस इज माई इक्वेशन So uh, yes, uh, मैम मुझे जनरल डाउट था hmm. तो मैम जब भी हम डमी वेरिएबल के लिए कैटेगरी काउंट करते हैं hmm. तो मैम अगर ऐसा है कि मेल फीमेल और ब्लैक एंड वाइट तो मैम ये चार कैटेगरी होगी या तीन कैटेगरी होगी अगर हमने सेकंड जो डमी है उसको बोला है ब्लैक और अदरवाइज हम्म तो अदरवाइजली तो जो है ना आप एक डमी में एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट करते हो जैसे जेंडर ऑफ अ पर्सन दैट इज ट्रीटेड एज वन डमी रेस ऑफ दैट पर्सन दैट इज ट्रीटेड एज अ डिफरेंट डमी सो so, मैम अगर ये वाला एग्जांपल है तो इसमें हम तीन लेंगे सॉरी इसको तो तीन कैटेगरी लेंगे या चार कैटेगरी मेरे पास दो डमीज हो जाएंगे एक डमी होगा yes, जेंडर maan. का जेंडर yes, में मेरे पास दो कैटेगरीज हैं तो उन दोनों कैटेगरीज को केटर करने के लिए मैंने एक डमी ऐड कर दिया यस yes, मैम और रेस ब्लैक और नॉन वाइट नॉन वाइट या ब्लैक नॉन ब्लैक वो उस चीज को केटर करने के लिए मैंने एक और डमी ऐड कर दिया डमी फॉर रेस बट मान लो तो आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली यहां पे क्या देखना पड़ेगा कि क्या सिमिलर तरीके की चीजें मेजर हो रही हैं जैसे मान लो कोई डमी है डायरेक्शन के लिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ ठीक है तो ये yes, एक ही तरीके की चीजें मेजर कर रहे हैं डायरेक्शन ठीक है तो अब यहाँ पे मेरे पास उस सेम कैरेक्टरिस्टिक के लिए चार कैटेगरीज हैं तो मैं तीन डमीज़ ऐड करूंगी चार डायरेक्शन है तो हाँ। डायरेक्शन के साथ साथ मान लो कुछ और भी चेक करना होता कि ये जो भी एरिया है वो इक्वेटर लाइन के ऊपर है कि इक्वेटर लाइन के नीचे है तो वो मेरे पास एक अलग तरीके की इंफॉर्मेशन हो गई जो दो पॉसिबल वैल्यू लेती है या तो आप उस लाइन के ऊपर हो या उस लाइन के नीचे हो राइट right? तो उसमें फिर मैं एक डमी ऐड कर देती मैम मतलब मोस्ट केसेस में तो क्वेश्चन में डिफाइंड ही होते हैं डमी और मॉडल हाँ नहीं अगर होता है तो आप अपना दिमाग लगा के देखो कि क्या वो सिमिलर तरीके की चीजें हैं जैसे मान लो डायरेक्शन हो गया तो मेरे को पता है कि हाँ ये चार चीजें जो बोली गई है वो डायरेक्शन है हाँ अब जैसे जो आपने एग्जाम्पल दिया मेल फीमेल एंड ब्लैक एंड नॉन ब्लैक ये दो बहुत ही अलग चीजें हो गई ना यस मैम जेंडर बिल्कुल सेपरेट चीज हो गया रेस बिल्कुल सेपरेट चीज हो गया तो इनको हम दो अलग तरीके से ट्रीट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें कितनी डमीज ऐड करने की जरूरत है विद इन ईच कैटेगरी

वरना मान लो आपका एक डमी है कि भाई महीना कौन सा है और फिर आप ये भी बोल दो सीजन कौन सा है फिर आप ये भी बोल दो कि बारिश मतलब तो बारह तो डमीज उस बारह तो अलग अलग महीनों के लिए हो गई चार सीजन हो गए इंडिया में मान लो चार तो नहीं होते छे होते हैं शायद चार सीजन हो गए मान लो ठीक है तो चार सीजन बारह मंथ के डमीज बट आपको पता है मंथ अलग चीज हो जाती है सीजन अलग चीज हो जाता है उनको मिक्स नहीं करना है हमने ठीक है okay, तो वो रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है वो रूल क्या बोलता है कि एक स्पेसिफिक क्वालिटी को मेजर कर रहे हो और उसमें अगर दस कैटेगरी तो उसमें नौ डमी ऐड करो ठीक okay. है ओके फाइन कमिंग बैक सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है कि कोई एक अनदर इन्वेस्टिगेटर्स है इन्वेस्टिगेटर है वो बिलीव्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन बाय दिस तो एक सिंपल लीनियर इग्रेशन है हमारे पास गिवन अ सैंपल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन द इन्वेस्टिगेटर एस्टिमेट बी टू वो बी टू को एस्टिमेट करते हैं वो कैसे एस्टिमेट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग इट एज द एवरेज वैल्यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाय द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स तो हम तो ओएलएस से जो बी टू होता है वो अलग फॉर्मूला होता है तो इन्होंने बोला मुझे OLS, OLS नहीं करना है मुझे बोला गया है, कि ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ और वॉट डिफरेंस वुड इट मेक इफ इट कैन बी अज्यूम इट कुम बी वन इज जीरो बी वन अगर जीरो मान लिया जाए तो क्या होगी प्रॉपर्टीज और अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा ठीक है तो ठीक है मेरा जो मॉडल है वो क्या है वॉट इज माई मॉडल माई मॉडल इज दिस प्लस बी टू एक्स आई प्लस यू आई ये मेरा मॉडल है तो अब इस इन्होंने बोला है कि भाई मैं बी टू को एस्टिमेट कैसे करूंगा एवरेज वैल्यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स इस तरीके से एस्टिमेट करेंगे ठीक है अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है तो सबसे पहले तो मैं यही देख लू कि मतलब मेन प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है कि वो बायस्ड है है कि अनबायस्ड राइट right? तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बी टू जो है अब मेरे को इसी के साथ थोड़े से मेन्यूपुलेशन करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि क्या मैं फिगर आउट कर सकती हूँ यहाँ से तो क्या मैं इसको समेशन वाई आई डिवाइडेड बाई एन समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन ऐसे कर सकती हूँ तो क्या ये जो मेरी टर्म है ये समीशन वाई आई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई हो जाएगी डू ठीक है तो ये हो गया तो ठीक है बी टू इज इक्वल टू वन बाय समीशन एक्स आई समीशन वाई आई को मैं ये लिख सकती हूँ क्या ये जो इक्वेशन दी हुई है यहां से हम क्या कर सकते हैं जब हम समेन को यूज करेंगे तो क्या हो रहा है एन टाइम्स बी वन प्लस बी टू विल कॉमन गेट कॉमन दिस इज समे एक्स आई प्लस समेन यू आई डिवाइडेड बाय समेन एक्स आई दिस इज बी टू राइट ठीक है यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को कि क्या कर रहे हैं हम तो देखो बी टू को मैं ऐसे लिख सकती हूं एन बी वन डिवाइडेड बाई समय प्लस बी टू प्लस समय यू आई डिवाइडेड बाई इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ बी वन डिवाइडेड बाई एक्स बार प्लस बी टू हिलसड बाई आई, बी टू आर वी फाइन सो फार यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ठीक है, Guys, yes no. अच्छा मेरी आवाज आ रही है बस उतना बता यस yes. हाँ ठीक है ओके तो अब मैं क्या करूंगी अब मैं देखती हूँ कि ये जो भी एस्टिमेटर उस इन्वेस्टिगेटर ने चूज किया है क्या वो अनबायस्ड है कि नहीं

तो ये चीजें आप इसमें से बाहर लेके आ सकते हो तो एक्सपेक्टेशन से ठीक है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी टू जो है वो क्या हो जाएगी बी एकस वन, वन, तो वन प्लस बी टू का बी टू हो जाएगा प्लस वन बाय समेस फिर ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई एंड हमारी जो अजम्पशंस होती हैं उसके बेसिस पे समे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई है वो क्या होती है सो so, इसके बेसिस पे ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी टू है ये कितनी हो जाएगी बी वन डिवाइडेड बाय एक्स बार प्लस बी टू तो अब ये बताओ कि क्या ये जो एस्टिमेटर है क्या ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है बी टू का अनबायस्ड कब होता जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी टू किसके बराबर आ जाती बी टू के बराबर तभी तो उसको अनबायस्टिमेटर बोलते ना राइट सो राइट नाउ इट्स नॉट एन अनबायस एस्टिमेटर d2 टू इज नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ कैपिटल बी टू इज दैट ऑल राइट ठीक है क्लियर हो गया अच्छा अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसी का जो सेकंड पार्ट है इसमें इन्होंने हमसे क्या पूछा कि अगर B1 वन जीरो हो जाए तो क्या होगा तो अगर यहां पे B1 वन जीरो हो गया तो क्या होगा इफ B1 वन इज इक्वल्स टू जीरोन वॉट है

So no longer be, uh, minimum. क्यों क्योंकि अब एरर जो है उसमें जितनी वेरियंट आ रही है वो भी मेरी रिक्वायर्ड वेरियंट में एड हो रही है राइट right? सो so इसकी वजह से हमारे पास क्या इम्पैक्ट है जो मेरी एस्टिमेटेड वेरियंट्स आएंगी दे विल बी लार्जर देन द केस वेर देर इज नो मेजरमेंट एरर राइट सो वन पार्ट इज फाइन ओ एल एस एस्टिमेटर बट उनकी जो वेरियंसिस हैं दे बार्जर है उसमें जो एरर किया है ना हमने उसकी वेरियंस भी एड हो रही है सो इट बी लार्जर देन रिक्वायर्ड दिस इज वॉट यू कैन राइट हिस्ट इज दैट ओके फाइन क्लियर हो गया ऑल गुड यस मैम ठीक है चलो